योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, स्टील प्लांट का करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच के बीच शर्मनाक हरकत, शमी का नाम लेकर जय श्री राम के लगाए गए नारे। मैनपुरी में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन, पर्यटन मंत्री ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। कानपुर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, 3 बच्चों समेत 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत। लखनऊ में बिल्डिंग से गिरा बीटेक का छात्र, छात्र को आई गंभीर चोटें। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टेस्ट मैच खेला जा रहा है। वह इस दौरान कुछ दर्शकों ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम लेकर जय श्री राम का नारा लगाया, तो वही इस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद लोगों के अब इस वीडियो को खूब रिएक्शंस भी मिल रहे हैं। वही अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस दौरान शमी का नाम लेकर जय श्री राम के नारे लगाए गए और स्टेडियम जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। खबर मैनपुरी से है, जहां सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याण लाभकारी योजनाओं और ग्रोथ 20 के तहत छोटे क्रिश्चियन ग्राउंड में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने शिरकत की। इस दौरान प्रदर्शनी का फीता काट कर दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वह इस दौरान मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह सोशल मीडिया से रूबरू भी होते हुए नजर आए। इस दौरान वो मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत पूरे प्रदेश में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी से लोगों में जागरूकता आएगी। साथ ही आगे उन्होंने ये भी बताया कि सरकार हर एक लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास देकर छत मुहैया करा रही है। महकता हुआ उत्तर प्रदेश, चमकता हुआ उत्तर प्रदेश और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कीर्तिमान बनाता हुआ उत्तर प्रदेश, नए स्वरूप में दिखाई देने वाला उत्तर प्रदेश आज नए भारत का नया ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। और इसका प्रामाणिक तथ्य यह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो पिछले महीने उत्तर प्रदेश की धरती पर सम्पन्न हुआ, जहाँ 35 लाख करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव विभिन्न देशी और विदेशी निवेशकों के द्वारा प्राप्त हुए, ये अभूतपूर्व कृत्य इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश जहाँ पहले बीमारू उत्तर प्रदेश हुआ करता था। खबर लखनऊ से है, जहां बीकेटी क्षेत्र में आरआर कॉलेज में बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र बिल्डिंग से नीचे गिर गया, जिसके बाद छात्र को गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं प्रशासन को जानकारी होने पर छात्र को हॉस्पिटल में तत्काल भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। तो छत से गिरने पर छात्र को कई गंभीर चोटें भी आई है। बिल्डिंग से बीटेक का छात्र गिर गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल में पेपर चल रहे थे प्री यूनिवर्सिटी, तो उसमें 10:30 से पेपर स्टार्ट था और 12 बजे के आसपास ही उसके साथ हुआ था। बोला था पानी पीने गए हैं और पता नहीं कैसे गिर गया। कौन से कॉलेज में पढ़ते थे? किस छात्र का विद्यार्थी? बेटा फर्स्ट ईयर इसी ब्रांच। आप लोगों को कैसे सूचना मिली? हमारे डीन सर ने, जो डिप्टी डीन सर है, उन्होंने। इस समय स्थिति क्या है? थोड़ा ठीक है पहले से। कहाँ पे ले गए हैं? बलरामपुर हॉस्पिटल।
वहीं यूपी के कानपुर देहात में एक दर्दनाक घटना हुई है। घर में आग लग जाने की वजह से 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि घटना रूरा थाना क्षेत्र के हारमऊ बंजारा डेरा गांव की बताई जा रही है, जहां एक झोपड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल है। वहीं एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल भी हो गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी पुलिस बल के साथ DMSP भी मौके पर पहुंचे हैं, और घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है कि आखिर क्या कुछ वजह रही जो इस तरीके से एक घर में आग लग गई, जहां 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। देखिए, हमारे थाना रूरा क्षेत्र अंतर्गत गांव हरामऊ में बंजारा डेरा में एक झोपड़ी में आग लगने की सूचना मिली थी और कुछ लोग मरने की सूचना मिली थी। तुरंत मैं और मेरे सारे जितने भी सक्षम अधिकारी सभी लोग मौके पर पहुंच गए, और फोरेंसिक यूनिट, फायर ब्रिगेड एंड ऑल्सो डॉग स्क्वाड सब भी मौके पर पहुंच गए, और अभी जांच पड़ताल चल रहा है। इसमें सतीश और काजल नामक पति पत्नी और उनके परिवार सहित जगने की अभी फिलहाल इन्फॉर्मेशन है, और उनकी जो माता जी है वो भी उनको बचाने के चक्कर में थोड़ा जल गई है। उन सबको उनको चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। हारामऊ गांव है, तहसील डेरापुर, थाना रूरा है। वहां पे एक दंपत्ति और उनके 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है। उनके घर में आग लगने से मृत्यु हुई है। उसका जो कॉज ऑफ फायर है, उसके लिए फॉरेंसिक टीम मौके पे है, वो जांच करके बता रही है। अभी कॉज क्लियर नहीं है। अभी इनकी जो एक मदर है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया है। सुपरफिशियल उनको बर्न्स आए हैं, उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और मैं और कप्तान साहब मौके पे जाके आए हैं। अच्छा, पीड़ित परिवार को आपकी तरफ से क्या मदद दिलाई गई? जी, जो भी दैवीय आपदा में जो भी मदद होती है मृतक के लिए और घर जलने के लिए, वो सब दी जाएगी उस समय। वहीं हरदोई के बेनीगंज इलाके में अनियंत्रित बस बाइक सवारों को रौंदते हुए खाई में गिर गए, जिस पर सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो वहीं घायलों को एम्बुलेंस के जरिए CHC पहुंचाया गया, जहां गंभीर हालत में एक बाइक सवार को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही अब ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस वजह से ये हादसा हुआ, किस वजह से ये बस जो है वो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। खबर देवरिया से है, जहां SD मेमोरियल महाविद्यालय नौतन बरियापुर में लगे नेत्र शिविर में कुछ लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया, जिसमें चिकित्सक समेत कई लोग घायल हो गए। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है, और लगातार अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या कुछ वजह रही जो उन्होंने इस तरीके से हंगामा किया, जिसमें चिकित्सक समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। देखिए, ये जो नेत्र शिविर लगा है गरीब लोगों के इलाज के लिए, इसमें आज 50,000 से अधिक लोगों का सफल ऑपरेशन हो चुका है, और हमारे जो विरोधी लोग हैं वो इससे घबराए हुए हैं कि इनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन लोगों ने कुछ शराबी टाइप के युवकों का चयन करके, और वहाँ पर जो जाँच करने वाले जो स्वास्थ्यकर्मी थे हमारे, उनको कल बुरी तरह से मारा पीटा गया है, जिसके वजह से अभी 4 लोगों की उसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है, और शेष लोगों की भी पुलिस अपने बड़ी सतर्कता के साथ गिरफ्तारी कर रही है। क्योंकि इस तरह के अच्छे आयोजन में यदि कोई विघ्न डालता है, तो मेरा भी मानना है कि ऐसे लोगों पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। खबर बाराबंकी से है, जहां होली के दिन हुए सड़क हादसे में 4 बच्चों की मौत के बाद परिवार को सांत्वना देने MLC पहुंचे हैं। MLC अंगदा कुमार सिंह ने परिजनों से मुलाकात कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने का उन्हें आश्वासन दिया है। वहीं थाना अध्यक्ष बदोसराय को दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि होली के दिन मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहे 4 बच्चों को तेज रफ्तार अनियंत्रित कार रौंदते हुए सड़क किनारे लगे पेड़ में जा टकराई। वह इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई थी। अलीगढ़ के थाना रोरावर में MIM पूर्व महानगर अध्यक्ष गुलस्ता खान पर हमला हो गया है।
बता दें कि गुलिस्तान खान के जीजा उनकी बहन को लगातार परेशान करते थे, जिसकी वजह से उनकी बहन उनके घर पर ही रह रही थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी अपनी पत्नी पर उनके बच्चे को बेचने का दबाव बना रहा था, जिससे इनकार करने पर युवक ने पीड़िता की जमकर पिटाई कर दी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने मुकदमा भी अब दर्ज कर लिया है। और दो लोग औरतें, उनके डाटा लगा हुआ, उन्हें पहचान नहीं पाई मैं। लेकिन मुझे यह जो घटना हुई है वो मेरे लिए हुई थी, मेरे बच्चे को बेचने के लिए वो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे थे। तो इस पर मैं वहाँ से घर से अपने यहाँ आ गई। कितना टाइम हुआ आए हुए? मुझे रहते रही हूँ मैं 5 महीने से यहीं पर। अच्छा। लेकिन कुछ दिन के लिए मैं बड़ी वाली बहन के यहाँ चली गई, तो उसने वहाँ पर भी यही बात कही थी कि उस बच्ची को बेच दे। तो मैं वहाँ से गुस्सा होकर इधर आ गई। जब उन्होंने यहाँ पे आकर विवाद करा तो उन्होंने बाजी ने ये कहा था बच्चे को बेचने की चीज़ नहीं होती है जो तुम बेचने के लिए कह रहे हो। तो इस बात पे उन्होंने इन पर भी मारपिटाई कर। मेरे छोटे बहनों ही हैं जिनका नाम है अंसार खान। कहाँ के रहने वाले हैं? बालमपुर गांव के। क्या रही थी पूरी घटना? पूरी घटना रही है कि वो आए थे, बहन से कहने लगे अपनी छोटी वाली बेटी को बेच दो, 2 लाख रुपये दे रहा है कोई हमें। मैंने कहा बच्चे बेचने की चीज़ नहीं होते हैं, बच्चों को नहीं बेचा जाता है। इसी बात से बोलते हैं कि हमारी बच्ची हम बेचें या कुछ भी करें आप क्यों बोल रही हैं। मैंने कहा ये चीज़ सही नहीं है। तो बोले कि सही या गलत का फैसला आप नहीं करोगे, हम 2 बच्चों को रखेंगे, 1 बेचेंगे। मैंने कही तो देखिए आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं इस चीज़ को कहकर। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत पर एक किसान बदहवास अवस्था में मिला है। वहीं आपको बताते चले कि किसान की जेब से विषैले पदार्थ भी बरामद किया गया है। पूरी घटना थाना खैर इलाके के ग्राम बाकनेर की है। वहीं युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। खाया है हमें तो सूचना मिली है जो इस बात बताया क्या लग रहा है इसको कोई। आपको इसकी जानकारी नहीं क्यों? इनके पास से जो खाया वो कोई जहर भी बरामद हुआ है? हाँ। वो हुआ, डॉक्टरों को दिखाया आपने? तो इस समय कहाँ लेकर आया आपने? मलकान सिंह में। ठीक है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।